हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं के परीक्षा परिणाम वीरवार शाम को घोषित कर दिए। इस परीक्षा का कुल परिणाम 63.39% रहा। इस बार सरकारी स्कूलों की लड़कियों ने बाजी मारी है और पहले स्थान पर मंडी के सीनियर सेकेंडरी स्कूल करसोग की छात्रा प्रीतांजलि सेन ने 700 में से 690 अंक लेकर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। उनके साथ ही पहले स्थान पर सरस्वती विद्या मंदिर चुराग की छात्रा अनवीक्षा रही, उसने भी 690 अंक ही हासिल किए। वहीं दूसरे स्थान पर न्यू एरा स्कूल ऑफ साइंस छतरी की छात्रा सोनम रही। सोनम ने 700 में से 679 अंक हासिल किए। दूसरे स्थान पर ही सनशाइन पब्लिक स्कूल पदम नगर रामपुर के छात्र राहुल कुमार रहे, उन्होंने भी इतने ही अंक हासिल किए उनके साथ ही। वहीं तीसरे स्थान पर बिलासपुर गुमारवी की छात्रा निहारिका रही, निहारिका ने 700 में से 688 अंक हासिल किए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल भगदर चंबा की छात्रा वंशिता, आराधना पब्लिक स्कूल रोहडू की श्रेया, नाहन की रिधिमा ने भी इतने ही अंक हासिल कर तीसरा स्थान हासिल किया है। गौरतलब है कि गत वर्ष ये परिणाम 67.57% था। इस बार परिणाम में इसलिए कमी आई है कि बोर्ड ने नकल में लगाम लगाने के लिए स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए और निजी स्कूलों में नकल रोकने के लिए उड़न दस्ते तैनात किए थे। बोर्ड के अध्यक्ष राजीव शंकर ने बताया कि 109,678 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे, जिनमें से 68,946 पास हुए हैं तथा 15,214 परीक्षार्थी कंपार्टमेंट घोषित हुए हैं। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड समय में 10वीं परीक्षा का परिणाम कर्मचारियों ने निकाला है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने इसके लिए बोर्ड सचिव हरीश गज्जू की भी पीठ थपथपाई। बोर्ड ने साथ ही SOS 10वीं-2 के परीक्षा परिणाम भी निकाल दिए हैं। ये भी खुशी की बात है और पहले प्लस टू के जो परिणाम थे वो घोषित किए गए थे और गर्व से मैंने बोला था कि ये श्रेय जो है हमारे स्टाफ को जाता है, जिन्होंने रात दिन ये कार्य किया और सुचारू रूप से हमारे सचिव महोदय की देखरेख में ये हुआ था। इस वक्त भी यही काम हुआ है और हम मुझे हर्ष होता है ये कहते हुए कि इस बार भी एक सप्ताह पूर्व ये रिजल्ट घोषित हुआ है। इससे न केवल बोर्ड की सुविधा होती है बल्कि जो उत्तीर्ण छात्र होते हैं उनका भी सुविधा होती है अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए। और लगभग 109,000 के करीब विद्यार्थी बैठे थे और 63% जो बच्चे थे वो उत्तीर्ण रहे हैं और इस बार भी लड़कियों ने मोर्चा मारा है। ये अच्छी बात है कि एक तरफ हम कहते हैं कि लड़कियों का भविष्य उज्ज्वल होना चाहिए, एक लड़की अगर पढ़ जाए तो पूरा परिवार और समाज पढ़ता है, तो ये सिद्ध होता है। लड़कों ने भी इस बार काम किया है और मुझे इसके लिए खुशी है कि उन्होंने भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। भविष्य में उनको मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि और अधिक परिश्रम करके वो परिस्पर्धा में अपना काम कमाए। 5.5% इस वक्त कम आया है और इसका मुख्य कारण है कि इस वक्त जो हमारी टीम्स थी, विजिलेंस टीम्स थी, लाइक सीसीटीवी कैमरास, फ्लाइंग स्क्वाड्स वगैरह, और ऐसे क्षेत्र जहां से हमें बहुत ज्यादा शिकायतें आती थी कि यहां नकल होती है, वहां खास करके हमारी टीम्स गई हैं और शायद यही कारण है कि वहां वो काम नहीं हो पाया। जहां ये काम नहीं होता था वहां के रिजल्ट बहुत अच्छे आज भी रहे।